Hey, what's up guys, Sunit Patil and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. Well, दोस्तों अभी हम लोग पाम बीच रोड पे वाशी के साइड है हम लोग दोस्तों, और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले खारगर हिल्स. काफ़ी मस्त जगह है साइकिलिंग करने के लिए. लेट्स होप कि खारगर हिल्स खुला रहे, बिकॉज हम लोग ने लास्ट दो बार ट्राई किया था खारगर हिल्स जाने को, बट हम लोग को अलाउ नहीं किया था. और आज हम लोग के साथ है प्रार्थना एंड आनंद, तो हम लोग तीनों आज जाने वाले. मनीषा दीदी भी आने वाली थी, बट मनीषा दीदी ने फ़ोन ही नहीं उठाया तो वो कैंसिल हो गई. हम लोग तीनों है. वीकेंड्स को पाम बीच रोड पे साइकिलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी सारे साइकिलिस्ट भी आते हैं वीकेंड्स को. आप देख सकते हो रास्ता. अभी हम लोग ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई पहुँचेंगे दोस्तों, और वहाँ के भी थोड़े सिनेमेटिक्स आपको बता दूंगा. ऐसा फील हो रहा है पूरा का पूरा हाईवे मेरा ही है, बिकॉज सिग्नल लगा है दोस्तों. अभी आएंगे पीछे से कार, सिग्नल ऑन होने से पहले साइड में. खारगर हिल्स, सॉरी. अभी हो रहे हैं 9:30, हम लोग को यहाँ पे एटलीस्ट 7:30 को पहुँचना था, बट काफ़ी लेट हो गया इन दोनों की वजह से. वाशी स्टेशन में भुर्जी पाव खा रहे, अंडा पाव खा रहे, पूरा टाइम पास. और अभी यहाँ से लाइक हम वाशी से हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वो अराउंड लाइक 15-17 किलोमीटर से खारगर हिल्स. और अभी ऑन द वे हम लोग ने लाइक 3 किलोमीटर कवर किया है. यहाँ पे हम लोग को लगा है ज्वेल्स ऑफ मुंबई. लगता है कुत्तू कल रात का बॉक्सिंग कर रहा था. क्या हो गया आपको तेरे? अरे हम लोग ट्राई करें ये व्यू पॉइंट पर जाने का. इसका नाम है चाणक्य व्यू पॉइंट. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रोड है, उसके लिए मैप्स ऑन कर रहा हूँ. हेड साउथ देन कंटिन्यू स्ट्रेट पास्ट टीएस चाणक्य जंक्शन. वेल दोस्तों, अभी हम लोग ये लोकेशन पे पहुंच गए. यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेन के बर्ड्स आते हैं, फ्लैमिंगोज आते हैं, इग्रेट्स आते हैं, पेंटेड स्टॉक्स आते हैं. अभी मैं आपको उनका क्लोजअप में दिखाता हूँ. आप बैक साइड देख सकते हो, वहाँ पर पूरी की पूरी लाइन में बैठे हैं, बट मेरे पास DSLR नहीं अनफॉर्चुनेटली. आई विल ट्राई टू, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास DSLRs है, सो आई विल जस्ट ट्राई टू बोरो DSLR सो दैट आई कैन जस्ट शो यू द क्लोजअप शॉट. अगर आप जल्दी आओगे यहाँ पे लाइक 7:30 अर्ली मॉर्निंग, तो आपको काफ़ी सारे फोटोज़ मिलेंगे, काफ़ी अच्छे फोटोज़ मिलेंगे. सो इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर जो ठाणे के आसपास न्यू मुंबई साइड रहते हो, यू शुड डेफिनेटली कम हियर. सम ऑफ द नेम्स ऑफ द बर्ड्स आर फ्लेमिंगोज, यू कैन स्पॉट फ्लेमिंगोज ओवर हियर, देन स्टिल्ट, पेंटेड स्टॉक, एंड वो छोटा वाला का नाम बोला ना, स्टिंक, एग्रेट. एग्रेट नहीं, एग्रेट नहीं, उस छोटे वाले का स्टिंक या स्टिल्ट. स्टिल्ट, ओके, स्टिल्ट. वेल दोस्तों, अब मैं उनको एकदम क्लोजअप में कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ. आई होप मुझे मिल जाए शॉट. आई एम लिटरली एक्साइटेड.
हम लोग खारघर पहुँच तो गए दोस्तों, बट खारघर हिल्स शाम को 5 बजे चालू होता है, तो अभी हम लोग पे लाइक 3-4 घंटा है हम लोग के पास। अभी पता नहीं हम लोग क्या करेंगे 3-4 घंटा, बट खारघर हिल्स एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। काफ़ी टाइम से मेरे को आने का था, तो अभी हम लोग बैजोज में बैठ के थोड़ा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खाएंगे, कुछ तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और थोड़ा आराम करेंगे दोस्तों। एंड ये जो रेस्टोरेंट है ये कहाँ पे दादा? क्रिस्टल हीरा खारघर सेक्टर 7। मस्त पिज़्ज़ा एकदम। आप अगर खारघर साइड रहते हो, बेलापुर साइड रहते हो, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। हम लोग ने 2 पिज्ज़ा खाए, उसके बाद रोल खाया और अभी मोमोज खा रहे हैं, इतना अच्छा लगा। वेल दोस्तों, अभी फाइनली हम लोग खारघर हिल्स के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:30। एक्चुअली 5 बजे से पहले किसी को छोड़ते नहीं, बट हम लोग ने अंकल को कन्विंस किया कि हम लोग थाने से आए, तो अंकल ने छोड़ दिया। बट इसका टाइमिंग सुबह 5 बजे से 7 बजे तक है एंड शाम को 5 बजे से 6 बजे तक ही है, बिकॉज एकदम घना फॉरेस्ट है, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है एंड काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स, स्नैक्स एंड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे पूरा लिस्ट है कि मतलब यहाँ पे कौन से सांप स्पॉट होते हैं उसका, तो अभी लाइक 5 to 6 किलोमीटर से लेट्स सी कितने टाइम में कवर करते हैं। चढ़ाई ज़्यादा कुछ स्टीप नहीं है दोस्तों, नॉर्मल स्लोप है, बट हालत टाइट हो रही है बिकॉज हम लोग ने पेट भर के खाया है एंड खाने के बाद खारघर के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, तो अगर आप ये जगह एक्सप्लोर करने आते हो तो पानी ज़रूर कैरी करना। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा माउंटेन कट करके ऐसा रोड बना है। एंड अभी हम लोग ने लाइक 15 मिनट्स साइकिल चलाई है ऊपर और आधा घंटा तो लगेगा आई गेस ऊपर जाने के लिए। मस्त लोकेशन यार, साइकिलिंग करने के लिए परफेक्ट लोकेशन है। अभी हम लोग खारघर हिल्स के ऊपर पहुंच चुके हैं दोस्तों, सनसेट भी हो चुका है, आप देख सकते हो बैक साइड पूरा खारघर सिटी, वो साइड जो है वो खांडेश्वर एंड ऑल है। यहाँ से अगर हेज नहीं रहता तो करनाल तो पक्का दिखता एंड मे बी इर्शलगढ़ प्रबलगढ़ भी दिख सकता था, बट काफ़ी हेजी है इसलिए कुछ दिखना नहीं है। एंड अभी हम लोग सीधा डाउन ट्रेल मारेंगे बिकॉज पूरा अभी थोड़े टाइम में अंधेरा हो जाएगा एंड दिस प्लेस इज़ नॉट सो सेफ कि अंधेरे में हम लोग साइकिलिंग करें। बट अगर आप दोस्तों न्यू मुंबई साइड रहते हो, नवी मुंबई साइड रहते हो, तो दोस्तों ये प्लेस आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, साइकिलिंग के लिए एकदम मस्त लोकेशन है। एंड मानसून में ये लोकेशन बंद रहता है अनफॉर्चुनेटली, बट मानसून में अगर आपको चांस मिलता है यहाँ पे आने का तो डेफिनेटली ये जगह एक्सप्लोर करो। तो अभी मारते डाउन ट्रेल और सडन ब्रेक मत मारना बस। Hmm.